तो फ्रेंड आज इस वीडियो में जिस हम कल्चर टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेरिकल्चर। पिछले वीडियो में आपको एपिकल्चर के बारे में बताया गया। एपिकल्चर में आपको हनीबी के इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हनीबी के लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई एपिकल्चर के अंतर्गत। पिछले और एक वीडियो में हमने एक्वा कल्चर के बारे में आपको डिटेल से बताया। अगर आप ये वीडियो ना देखे हों तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सेरिकल्चर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर यानी जिसे हिंदी में हम रेशम उद्योग बोलते हैं, और जो सेरिकल्चर वर्ड है वह ग्रीक वर्ड सिरॉस से डिराइव्ड हुआ है, और जिसमें सिरॉस में सेरी का मतलब होता है सिल्क और कॉस का मतलब होता है कल्चर यानी रेशम का उद्योग करना, सिल्क का मतलब रेशम और कॉस या कल्चर का मतलब उद्योग करना, यानी हम इस मेथड में हम रेशम का उद्योग करते हैं तो इसे सेरिकल्चर बोलते हैं। अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर एट ए कॉमर्शियल लेवल कॉल्ड सिल्कल्चर। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म यानी रेशम कीट को पालना और उससे सिल्क या रेशम प्राप्त करना ही सेरिकल्चर कहलाता है। अगर आप रेशम कीट को पाल रहे हैं और उससे आप रेशम प्राप्त कर रहे हैं, सिल्क प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेरिकल्चर करवा रहे हैं, तो इसे हम सेरिकल्चर बोलते हैं। देखिए, जिसे हम सिल्क वर्म बोलते हैं वह एक्चुअली वर्म नहीं होते, वे एक मौत होते हैं। मौत का मतलब जिसे हिंदी में इंसेक्ट बोलते हैं या फिर पतंगा बोलते हैं, जो रात्रि में उड़ते हैं, जिनमें बड़े बड़े पंख होते हैं और वे रात में उड़ते हैं और अक्सर ये उड़कर हमारे जो कपड़े वगैरह हैं इस पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद ये कपड़ों के जो फाइबर्स होते हैं उनको खा जाते हैं, जिसकी वजह से भारी मात्रा में कपड़ों में नुकसान भी होता है। तो ये जो सिल्क वर्म होते हैं एक्चुअली ये वर्म नहीं होते हैं, ये मौत होते हैं, एक पतंगे होते हैं। देखिए, वर्म उन्हीं को बोला जाएगा जो जिनकी शरीर जो होती है, जो बॉडी होती है, सेगमेंटेड हो, यानी कि बॉडी जो हो वह खंडयुक्त हो और खंडयुक्त के साथ साथ जो उसकी जो चाल हो बहुत धीमी गति से जो चले उसे वर्म बोलेंगे। बॉडी उसकी खंडयुक्त थोड़ी रहनी चाहिए और उसका जो रेंगने का जो मतलब हुआ रेंगते हुए चले उसे बोलेंगे हम लोग वर्म। अगर हम बात करें इंडिया में सिल्क की प्रोडक्शन की, तो देखिए जो इंडिया में सबसे ज्यादा जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है, जो सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोड्यूसर है वह कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता है। और जो देखिए जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वे दो तरह के होते हैं, प्रोटीन के आधार पर उनके जो टू टाइप्स की प्रोटीन होते हैं, जैसे फैब्रिन होती है जिनमें 80% से, और जो सेरेसिन होती है, इन दो प्रकार की प्रोटीन होती हैं सिल्क फाइबर्स में। इसके अलावा जो इंडिया है, इंडिया यानी जो भारत है, भारत में एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसी कंट्री है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें सभी प्रकार के सिल्क हमें मिल जाते हैं। जैसे सिल्क में जैसे तासर सिल्क, मूगा सिल्क, मलबरी सिल्क, इसके अलावा एरी सिल्क और भी कई सिल्क है। माना जाता है कि जो इंडिया है उसमें सभी प्रकार के सिल्क मिल जाते हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें सभी प्रकार के सिल्क फाइबर्स मिल जाते हैं, लेकिन नेमली जो बहुत ज्यादा जिसका कल्चर किया जाता है वह मलबरी सिल्क का सबसे ज्यादा कल्चर किया जाता है। लगभग 98% या लगभग 88%, 98% नहीं 88% जो लगभग कल्चर किया जाता है वह मलबरी सिल्क वर्म से किया जाता है। बॉम्बेक्स मोरी जो सिल्क का नेम है उसके द्वारा किया जाता है। तो जो इंडिया है उनमें सभी प्रकार के सिल्क वर्म, सभी प्रकार का सिल्क हमें जो रहता है वह इंडिया से हमें मिल जाता है। तो चलिए इसके हम थोड़ा क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में अगर इसके हम फाइलम की बात करें तो इसका फाइलम जो है वह आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है, फैमिली बॉम्बेसिएडी है, और जीनस जो है वह बॉम्बेक्स है, स्पीसीज इसकी क्या मोरी है। तो चलिए कुछ इसके अगर हम स्पीसीज की बात करें तो मलबरी सिल्क वर्म जिसे बॉम्बेक्स मोरी बोलते हैं, और बॉम्बेक्स मोरी जो है इसका कल्चर जो है इंडिया में सबसे ज्यादा किया जाता है। सबसे ज्यादा कल्चर इसका इसलिए किया जाता है क्योंकि यह बहुत अच्छा जो हमें सिल्क जो स्मूथ सबसे अच्छा स्मूथ और चिकना जो हमें रेशम मिलता है इससे मिल जाता है बॉम्बेक्स मोरी के द्वारा। इसे चाइनीज सिल्क भी बोलते हैं और लगभग 88 से 89% तक जो सिल्क है प्रोडक्शन के लिए जो कल्चर किया जाता है वह बॉम्बेक्स मोरी का किया जाता है। इसके बाद जो सिल्क वर्म की दूसरी स्पीसीज है वह तासर सिल्क वर्म है, जिसे एंथ्रिया पाफेकी नाम की स्पीसीज के द्वारा इसमें कल्चर किया जाता है। और जो ये मलबरी सिल्क वर्म होते हैं इनको हम सहतूत की पत्तियों पर इनका कल्चर करवाते हैं, और जो लेकिन जो तासर सिल्क वर्म होते हैं वे जो बेल की पत्तियां होती हैं उन पर ये अपना लाइफ स्पॉन कम्प्लीट करते हैं। और इसके बाद जो तीसरा है स्पीसीज सिल्क वर्म की, इरी सिल्क वर्म, इरी सिल्क वर्म को जिसको अटैकस
रेसिनी बोलते हैं, एटेकस रेसिनी नाम की स्पीसीज के द्वारा इसका कल्चर किया जाता है। और इसका जो पालन किया जाता है, इसका जो कल्चर किया जाता है, वह कैस्टर प्लांट एक होता है, उस पर इसको पाला जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा अगला जो है वह मूगा सिल्क है, मूगा सिल्क वर्म जिसे एंथ्रेडिया एसोमा बोलते हैं। इसका जो कल्चर होता है वह एक प्लांट होता है, वह प्लांट असम में पाया जाता है, और इसे उस प्लांट को सोम प्लांट कहते हैं। उस प्लांट पर इसका कल्चर किया जाता है। मूगा सिल्क का जो कल्चर किया जाता है वह असम में एक प्लांट पाया जाता है जिसे सोम प्लांट कहते हैं, उस पर इसका कल्चर किया जाता है। इसके अलावा और जो स्पीसीज जैसे ओक सिल्क वर्म जिसे एंथ्रेडिया पेरेंगी बोलते हैं, और इसके अलावा जो जायंट सिल्क वर्म जिसे एटेकस एलिस बोलते हैं, तो ये सब कुछ स्पीसीज हैं सेरिकल्चर के अंतर्गत सिल्क वर्म की, ये सब कुछ स्पीसीज हैं। तो इन सब के बारे में हमने भी बताया। इनमें से जो सबसे ज्यादा कल्चर किया जाता है वह बॉम्बेक्स मोरी का किया जाता है। बॉम्बेक्स मोरी इज द मोस्ट वाइडली यूज, बॉम्बेक्स जो मोरी होती है, बॉम्बेक्स मोरी का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। सिल्क जो होता है यानी जो रेशम होता है उसे बायो स्टील के नाम से भी जाना जाता है, या मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, सिल्क को बायो स्टील भी बोलते हैं। तो चलिए अब थोड़ा हम एक एक को डिटेल से देख लेते हैं। ये जो मलबरी सिल्क, तासर सिल्क, एरी सिल्क, इन सबको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। इसमें जो पहला है वह मलबरी सिल्क वर्म है, और इसे जो सिल्क प्राप्त होता है उसे हम चाइनीज सिल्क भी बोलते हैं। और सबसे फाइनेस्ट, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो सिल्क प्राप्त होता है वह मलबरी सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। लगभग भारत में लगभग इसकी 88% तक जो कल्चर किया जाता है वह इसी स्पीसीज का कल्चर किया जाता है। इसे मलबरी या सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, और सहतूत की पत्तियों की, इनकी पत्तियों जो होती है, सहतूत की जो पत्तियां होती हैं, इनकी लार्वा स्टेज में जो इनका कैटरपिलर लार्वा होता है वह इन्हीं पत्तियों को खाता है, और इसीलिए इसको हम मलबरी सिल्क वर्म बोलते हैं। सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री की अगर बात करें तो जापान, इंडिया, कोरिया, रसिया, ये सब जगहों पर इसका कल्चर किया जाता है। और फूड ऑफ दिस वर्म जो इसका फूड होता है, इस वर्म का जो इसके कैटरपिलर लार्वा का जो फूड होता है वह मलबरी लीफ होती है, इसीलिए इसे मलबरी सिल्क वर्म बोलते हैं। और जो इनका बॉम्बेक्स मोरी का जो लार्वा होता है वह स्पेशली व्हाइट मलबरी लीव्स को खाता है, मतलब बॉम्बेक्स मोरी फीड स्पेशली ऑन व्हाइट मलबरी लीव्स, सो सिल्क इज व्हाइट। जो बॉम्बेक्स मोरी होता है वह स्पेशली व्हाइट मलबरी लीव्स को खाता है, इसलिए जो इससे सिल्क हमें जो मिलता है वह व्हाइट कलर का मिलता है। इसके बाद जो दूसरे सिल्क वर्म की स्पीसीज है वह तासर सिल्क वर्म है। इट इज कॉमनली टाइप ऑफ सिल्क वर्म इन इंडिया। इसमें जो इंडिया, चाइना और श्रीलंका, इन जगहों पर इसका कल्चर किया जाता है। इसे अक्सर हम लोग तासर सिल्क को जो है, जो तासर सिल्क है, इसे अक्सर कोसा सिल्क के नाम से भी जानते हैं। फैमिली सेट मेंडी का मेंबर है। इट इज प्रोड्यूस हार्ड कोकून। इसका जो कोकून होता है जिससे हमें जो रेशम मिलते हैं, इनका जो कोकून होता है वह बहुत हार्ड होता है, मुर्गी के अंडे के बराबर इनका जो कोकून होता है वह लगभग उतना बड़ा होता है। और इससे जो हमें सिल्क मिलता है वह ब्राउन कलर का होता है। वाइल्ड स्पीसीज है, मतलब ये जो वाइल्ड वैरायटी है, इसलिए इसका जो डोमेस्टिकेशन है आसानी से नहीं किया जा सकता। बट नाउ ए डेज डोमेस्टिकेशन फॉर्म फॉरेस्ट, मतलब अब के समय में इसका जो कल्चर किया जाता है वह फॉरेस्ट से इसका कल्चर किया जाता है। इसके अलावा जो अगला सिल्क वर्म है वह एरी सिल्क वर्म है। एरी सिल्क वर्म को हम अहिंसा सिल्क भी बोलते हैं, और इसे एरंडी सिल्क भी बोलते हैं। अहिंसा सिल्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो कैटरपिलर लार्वा है इसको मारना नहीं पड़ता, क्योंकि जब इस कोकून को लार्वा के बाद जब इसकी अगली स्टेज जो होती है वह कोकून की होती है, और कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है या फिर उसे गर्म हवा दी जाती है, बाद में जो सफोकेशन के कारण जो उसमें लार्वा उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इस सिल्क वर्म में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, उस वर्म को जो इसका लार्वा है उसको मारना नहीं पड़ता, इसलिए हम इसे अहिंसा सिल्क वही बोलते हैं। इसके हम डोमेस्टिकेशन की बात करें तो इसमें इंडिया में इसको असम, बिहार, बंगाल, इन जगहों पर इसको कल्चर किसका किया जाता है। और फैमिली सेटिनेडी है, और कैटरपिलर जो इसका रहता है वह क्लस्टर कैस्टर लीप को फीड करता है। जैसा कि भी हमने आपको बताया कि इसका जो कल्चर किया जाता है वह कैस्टर प्लांट पर किया जाता है, और इनका जो कैटरपिलर लार्वा जो रहता है वह कैस्टर लीप को फीड करता है। इससे हमें गुड क्वालिटी का सिल्क ऑब्टेन होता है, मतलब इससे हमें जो सिल्क मिलता है वह अच्छी क्वालिटी का मिलता है। देखिए, कोई भी सिल्क वर्म की स्पीसीज हो जिससे हमें सिल्क मिलता है उसका जो लार्वल स्टेज जो होती है, जिसे कैटरपिलर लार्वा बोलते हैं, उस लार्वा से हमें सिल्क मिलता है।
और ये जो कैटरपिलर लार्वा होता है, यानी जो ये मॉथ इंसेक्ट या जिसे बोलते हैं जो सिल्कवर्म या जिसे मॉथ भी बोलते हैं, तो पूरी लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा जो फीडिंग करता है वह इनकी लार्वल स्टेज जो होती है वह फीडिंग करती है। लगभग 24 घंटे में ये होता है, 2 या 1 ग्राम का जो भी होता है, लेकिन पूरे 24 घंटे में लगभग 2 से 3 किलो मर्बली लीव्स को खा जाते हैं। मतलब सहतूत की पत्तियों पर बॉम्बेक्स बोरी का जो कल्चर किया जाता है वह 2 से 3 किलो पत्तियां वह 24 घंटे के अंतर्गत खा जाता है। 2-3 दिन तक यह बहुत ज्यादा भोजन करता है, बाद में फिर यह होता क्या है कि सुसुप्तावस्था में आ जाता है, फिर इसकी अलग स्टेज फिर चालू हो जाती है, फिर प्यूपास फिर कुकून बनाता है, तब उससे हमें फिर वही सिल्क प्राप्त होता है। तो ये जो एरी सिल्क वर्म की स्पीसीज है, इससे हमें सबसे अच्छी क्वालिटी का हमें जो सिल्क मिलता है वह सबसे अच्छी क्वालिटी का मिलता है। और इसके अलावा जो अगली स्पीसीज है उसे मूगा सिल्क वर्म बोलते हैं। मूगा सिल्क वर्म का कल्चर जैसे असम वगैरह, असम में एक प्लांट्स होता है जिसे सोम प्लांट बोलते हैं, तो उस जगह पर मूगा सिल्क वर्म का कल्चर किया जाता है। इंडिया में इसका जो डोमेस्टिकेशन किया जाता है वह असम में किया जाता है। और इसके जो अलावा जो कैटरपिलर इसका फीड करता है वह माइचिलस प्लांट को फीड करता है, प्रोड्यूस मूगा सिल्क, और यह मूगा सिल्क को प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा जो अगली सिल्क वर्म की जो स्पीसीज है वह जायंट सिल्क वर्म है। इट इज द लार्जेस्ट साइज वर्म, यह सबसे बड़ा वर्म होता है। और इन वर्ल्ड डोमेस्टिकेटेड एरिया इंडिया मलेशिया, इंडिया में जो पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो लगभग इंडिया मलेशिया इन जगहों पर इसका कल्चर किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कल्चर होता है वह सिर्फ बॉम्बेक्स मोरी का होता है, बाद में फिर तासर का 8% लगभग होता है, और बाद में 2-1% इन सब स्पीसीज का कल्चर किया जाता है। इसके अलावा जो इस जायंट सिल्क वर्म की जो कल्चर किया जाता है वह इंडिया मलेशिया इन जगहों पर किया जाता है। फैमिली सेटनेडी का है। इट इज नॉट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी सिल्क, इससे जो हमें सिल्क मिलता है वह अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो ये सब कुछ स्पीसीज थी जिसको हमने अभी आपको बताया। तो सिल्क वर्म की अभी स्पीसीज के बाद हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में देख लेते हैं। तो ये सब जो सिल्क वर्म की स्पीसीज थी, इनका कल्चर बहुत ज्यादा नहीं किया जाता, सिर्फ बॉम्बेक्स मोरी का कल्चर अधिक किया जाता है। तो इसमें हम लाइफ साइकिल में सिर्फ बॉम्बेक्स मोरी का लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे। तो इसके लाइफ साइकिल में अगर हम बात करें बॉम्बेक्स मोरी की लाइफ साइकिल की, तो इसमें जो एडल्ट बॉम्बेक्स मोरी होता है वह लगभग 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि ये जो बॉम्बेक्स मोरी रहता है ये व्हाइट सहतूत की पत्तियों पर रहते हैं, और फिर वहीं इसी की वजह से इनका जो सिल्क होता है वह व्हाइट कलर का होता है। इनकी फीमेल जो होती हैं, जो मेल की तुलना में फीमेल जो होती हैं वह भारी होती हैं। कारण इसके पीछे क्या होता है कि वे उनके अंदर एग का प्रोडक्शन होता है, इसलिए जो मेल होती हैं, मेल मॉथ जो होती है यानी मेल इंसेक्ट जो होता है वह फीमेल की तुलना में थोड़ा हल्का होता है, पतला होता है, लेकिन फीमेल जो होती है वो मेल की तुलना में थोड़ा भारी होती है, क्योंकि उनमें एग का प्रोडक्शन होता है। ड्यू टू हैवी बॉडी एंड फीडल विंग्स फ्लाइंग इज नॉट पॉसिबल बाय द फीमेल, वजन अधिक होने के कारण जो फीमेल होती है उनमें फ्लाइंग जो रहती है वह उड़ नहीं सकती, फीमेल उड़ने में सक्षम नहीं होती। दी मॉथ इज यूनिसेक्सुअल इन नेचर, जो जो ये मॉथ होते हैं या फिर जो सिल्क वर्म का जो एडल्ट होते हैं वे सब यूनिसेक्सुअल नेचर के होते हैं। आफ्टर एडल्ट दी बॉम्बिकोल सेक्स फेरोमोन, एडल्ट होने के बाद जो इनमें एक सेक्स फेरोमोन फीमेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, सेक्स फेरोमोन बॉम्बिकोल नाम का सेक्स फेरोमोन होता है, और इसके सिक्रीशन के कारण जो मेल मॉथ होते हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद दोनों कॉपुलेशन करते हैं। कॉपुलेशन के बाद फीमेल जो रहती है, फीमेल कॉपुलेट होने के बाद वह फिर मलबरी लीव्स पर जाती है, वहां पर वह एग लेइंग करती है। लगभग 400 से 500 एग लेइंग करती है, क्लाइमेट के ऊपर यह डिपेंड करता है, एक टाइम में लगभग वह 400 से 500 एग लेइंग करती है। मेल मॉथ कॉपुलेट विद फीमेल मॉथ आफ्टर कॉपुलेशन, मेल मॉथ इज डाइम, कॉपुलेशन के बाद यानी मैथुन के बाद जो मेल मॉथ होते हैं उनकी डेथ हो जाती है एंड फीमेल स्टार्ट एग लेइंग, और जो फीमेल होती है वह एग देना स्टार्ट कर देती है। लगभग 400 से 500 एग लेइंग करती है, क्लाइमेट के ऊपर यह डिपेंड करता है, और यह क्लस्टर के फॉर्म में, गुच्छे के फॉर्म में लीफ पर जो मलबरी लीव्स होती है उन पर वह अपनी एग लेइंग करती है। आफ्टर एग लेइंग फीमेल डू नॉट फीड, एग लेइंग करने के बाद जो फीमेल होती है वह कुछ खाना पीना बंद कर देती है, और लगभग 4 से 5 दिन में उसकी भी डेथ हो जाती है। तो ये जो मौत होते हैं मेल में कॉपुलेशन के बाद
और जो फीमेल होती है वह एक लिंग के बाद उसकी डेथ हो जाती है। लगभग 4-5 दिन के बाद जो फीमेल होती है एक लिंग के बाद वो कुछ खाती पीती नहीं, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। और जो फीमेल होती है वह 2 टाइप्स का एग का प्रोडक्शन करती है, डायप्योज एग एंड नॉन डायप्योज एग। जो डायप्योज एग होते हैं वह ट्रॉपिकल रीजन पर होते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, और नॉन डायप्योज एग जो होते हैं वह सब ट्रॉपिकल रीजन पे होते हैं लाइक इंडिया। जैसे इंडिया में जो एक प्रोडक्शन करती हैं ये डायप्योज एग का प्रोडक्शन करती हैं। अगर बात करें इसके बाद अगर इसकी हैचिंग की, तो एग जो होते हैं 10 दिनों में हैच कर दिए जाते हैं। हैच करने के बाद इसमें से एक लार्वा निकलता है, लार्वा जिसे कैटरपिलर लार्वा बोलते हैं। और ये जो कैटरपिलर लार्वा होता है इसी से सिल्क का प्रोडक्शन हमें मिलता है। लार्वा फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो इसका जो न्यूली कैटरपिलर जो लार्वा रहता है वह लगभग 0.3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहती है, येलोइस व्हाइट कलर का होता है। ही कैन फीड 3 kg मलबेरी लीव्स इन 24 आवर्स। यह देखिए जो लार्वा, जब नया लार्वा जिसे हैचिंग के बाद जैसे लार्वा निकलता है तो उसके बाद यह बहुत भूखा होता है, उसके बाद यह मलबेरी लीव्स को बहुत तेजी से खाना शुरू करता है। पूरी लाइफ साइकिल में जो कैटरपिलर लार्वा है वह ही बहुत ज्यादा भोजन करती है, भोजन के मामले में सबसे ज्यादा जो खाना खाती है वह इसकी जो कैटरपिलर लार्वा है वही खाना खाती है। लगभग या 24 घंटे में 3 kg यानी 3 किलो मलबेरी लीव्स को ये खा जाती है। इट हैज 12 सेगमेंटेड एब्डोमिनल रीजन। इसके एब्डोमिनल रीजन पर 12 सेगमेंट पाए जाते हैं, खंडयुक्त बॉडी रहती है, इसलिए इसको हम सिल्कवर्म इसीलिए इसको बोलते हैं कैटरपिलर लार्वा की वजह से। 10 सेगमेंटेड हैविंग 5 pairs सीडो लेग, 5 pairs में यानी 5 जोड़े में लगभग 10 सीडो लेग्स इसके पाए जाते हैं। दे ग्रो रेपिडली फॉर माउंटिंग। और ये जो होते हैं ग्रो करते हैं, ग्रो करने का मतलब बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, मॉल्टिंग करते हैं, और एक मॉल्टिंग दो मॉल्टिंग मतलब अपनी त्वचा का वो चेंज करते रहते हैं। बाद में जो चौथी मॉल्टिंग के बाद जब ये 5वीं मॉल्टिंग में जाते हैं तो वहां से इसमें जो सिल्क फाइबर्स का प्रोडक्शन जो होता है उनमें सिल्क ग्लैंड्स के द्वारा उसके सिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। दे ग्रो रैपिडली फॉर माउल्टिंग, इट टेक्स अबाउट 21 to 25 days, लगभग 21 से 25 दिन के अंतर्गत 4 माउल्टिंग वो कर लेते हैं आफ्टर हैचिंग। आफ्टर दैट स्टॉप फीडिंग, उसके बाद ये क्या करते हैं फीडिंग स्टॉप कर देते हैं, अंडरगोज प्यूपेशन और प्यूपेशन में चले जाते हैं। इनका जो कैटरपिलर का जो वेट होता है वह एडल्ट होने के बाद 4 से 6 ग्राम का हो जाता है। और इनकी जो बात करें इसके बाद अगर हम प्यूपा की, तो प्यूपा में जो कैटरपिलर जो रहता है, क्योंकि अब प्यूपा की स्टेज में जब जाएगा लार्वल स्टेज में भोजन खूब करता है, लेकिन प्यूपा की स्टेज में जैसे ही जाता है वह भोजन करना बंद कर देता है, सुसुप्ता अवस्था में जाता है। और उसके बाद अपने कॉर्नर पर वह अपने उस अपने हेड को हिलाना शुरू कर देता है। वहां से एक दी लीव्स आर सीक्रेट बाय स्टिकी फ्लूड दैट इज सिल्क ग्लैंड। इसके जो सिल्क ग्लैंड होती है वहां पर स्टिकी कुछ फ्लूड की तरीके से उसमें निकलता रहता है, और वह फ्लूड जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है वह सूख जाता है और एक फाइबर्स का रूप ले लेता है। और इसी फाइबर्स को यह अपनी चारों तरफ घुमाता रहता है, और लास्ट में एक ऐसी स्टेज आती है उस फाइबर्स के से उससे चारों तरफ से वह ढक जाता है और एक कोकून का निर्माण करता है। द बॉडी ऑफ प्यूपा हुज आउटर थ्रेड एंड इरेगुलर एंड वाइल इनर आउटर थ्रेड सीक्रेटेड बाय कैटरपिलर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोकून। कोकून का फॉर्मेशन करने पर वह मतलब पूरी तरीके से जो ये लार्वा होता है वह पूरी तरीके से सिल्क फाइबर के थ्रू वो पूरी तरीके से कवर्ड हो जाता है, क्योंकि जो इसका सिल्क फाइबर जो निकलता है वह इसमें सिल्क ग्लैंड पाई जाती है, उसी जगह से जो हेड का रीजन होता है वहीं से इनका सिक्रीशन होता रहता है, जिसके कारण लगातार सिल्क ग्लैंड के द्वारा सिक्रीशन होने से हवा के कांटेक्ट में जैसे आता है सिल्क बनता जाता है, और बाद में हेड ये हिलाता रहता है अपना, जिसके कारण पूरी तरीके से यह कवर्ड हो जाता है। और ये बाद में जो ये स्टेज कवर्ड होने के बाद जो हमें दिखाई देती है उसे कोकून बोलते हैं। ये जो कैटरपिलर होता है वह लगभग 1 मिनट में लगभग 65 टाइम्स अपने सर को ऐसे हिलाता है, जिसके कारण बहुत तेजी से इसमें जो मोल्टिंग इसमें जो मतलब सिल्क का जो कोकून रहता है बहुत जल्दी बनता रहता है, और बाद में ये कोकून हमें मिल जाती है। और कोकून जब बन जाता है तो जिससे सिल्क का प्रोडक्शन हमें लेना है तो इसी कोकून की स्टेज में ही इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। हार्वेस्टिंग में इसको या तो गर्म पानी में इसे डाला जाता है जिसकी वजह से जो उसमें लार्वा है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर इसे गर्म हवा दी जाती है। गर्म हवा देने से सफोकेशन यानी दम घुटने की वजह से जो लार्वा रहती है उनकी डेथ हो जाती है, और
जिसके बाद हमें सिल्क का प्रोडक्शन वहां से मिल जाता है। अगर इस लार्वा को नहीं मारा जाएगा तो बाद में लार्वा जो कि ये जो स्टेज यानी कोकून में जो है, बाद में मेटामॉर्फोसिस होगा। कायांतरण करने के बाद इसकी अगली स्टेज में आने पर यह उसे जो कोकून है उसे कट कर और इसमें से एडल्ट बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो हमें उसके बाद जो हमें फाइबर्स मिलेंगे, जो सिल्क मिलेगा, वे छोटे छोटे टुकड़ों में मिलेगा और इसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए इस सिल्क वर्म को, इस कोकून को, इसे या तो गर्म पानी में डाल दिया जाता है या फिर इसे गर्म हवा देकर मार दिया जाता है। इसमें जो एडल्ट फॉर्मेशन होता है, द प्यूपा पीरियड लास्ट है 10 to 12 days, 10 से 12 दिन के बाद जो प्यूपा रहता है वह कोकून को कट कर बाहर निकल जाता है और बाद में इसी को हम लोग एडल्ट मौत बोलते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल को अब थोड़ा हम फिगर के रूप में इसे देख लेते हैं। तो इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि जो मेल या फीमेल जो मौत है वह एगलिंग करती है, उसके बाद हैचिंग करने के बाद इसकी फर्स्ट मोल्टिंग स्टेज, दूसरी मोल्टिंग स्टेज, तीसरी मोल्टिंग स्टेज, इसके बाद चौथी मोल्टिंग, पांचवी मोल्टिंग में यहाँ पर क्या कर रहा है, फाइबर्स का मतलब अपनी जो सिल्क ग्लैंड है उनमें से स्टिकी फ्लूड का सिक्रीशन करता है। बाद में हवा के कांटेक्ट में जैसे ही आता है, एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है, उसमें से फाइबर्स का रूप ले लेता है और ये जो सिल्क है उसी तरीके से पूरी बॉडी इनकी जो रहती है वह सिल्क से ढक जाती है, जिसे कोकून बोलते हैं। और इसके बाद इसका जो कोकून के बाद जो अगली स्टेज है उसमें मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जो इनमें से जो एडल्ट बनता है, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू इस कोकून को कट कर वह बाहर निकल जाता है और यहाँ से एडल्ट मौत का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अलावा भी और एक इमेज आप देख पा रहे हैं, इसमें से आप समझ सकते हैं कि इसमें भी वही चीजें बताई गई हैं। इसमें से मतलब ये जो एडल्ट है एगलिंग कर रहा है, उसके बाद फिर क्या है कि इसमें से लार्वा है, लार्वा से फिर उसकी मोल्टिंग स्टेज के बाद फिर वह उसका कोकून बन रहा है, कोकून से फिर एडल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हमने सेरिकल्चर के बारे में आपको डिटेल से बताया और साथ ही जो सिल्क वर्म की जो स्पीसीज हैं इन सब के बारे में बताया और बॉम्बेक्स मोरी के लाइफ साइकिल के बारे में भी बताया गया। तो इसके बाद अगली वीडियो में हम डिजीज ऑफ सिल्क मौत, मतलब जो सिल्क वर्म के में जो डिजीज हैं और साथ ही साथ उनमें जो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसी तरीके की वीडियोज की आपको जरूरत हो तो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोज को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।